नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम। इस भारतीय गार्डन चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कि गर्मी के दिनों में अपने चिली प्लांट को यानी कि मिर्च के पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखने के लिए क्या करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो गर्मी के दिनों में ये छोटे सा पॉट में हमारा मिर्ची का पौधा था और इसमें डेली पानी डालने से हमारा पौधा का फूल झड़ जाता है और फल नहीं आता है। तो आज इसे हम एक बड़े से पॉट में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो इसे शिफ्ट करने के लिए मुझे कंटेनर का ज़रूरत पड़ा है। आप चाहे तो एक बड़े से पॉट में भी लगा सकते हैं। मेरे पास पॉट नहीं था, इसलिए मैं एक कंटेनर में शिफ्ट करूँगा। और ये हमारा 12 से 14 महीना पुराना गोबर का खाद है। इसमें हम मिट्टी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल गोबर खाद में ही हम अपना चिली प्लांट को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस गोबर के खाद को अपने कंटेनर के जो ड्रेनेज होल है, इसे हम एक बड़े से ईंट के टुकड़े से जाम कर दिए हैं। और अब इसमें हम कुछ सूखे पत्ते डाल देंगे क्योंकि हमारा पॉट भारी नहीं हो जाए। इसमें पत्ते डालने के बाद हम गोबर का खाद अच्छे तरह से भर देंगे। पत्ते के ऊपर से हम गोबर खाद जितना लगेगा हमारा पॉट में हम भर देंगे। और ये हमारा भरकर पॉट तैयार हो गया। और अब हम चिली प्लांट को अपने एक छोटे से पॉट से सावधानी से निकाल लेना है। इसमें 2 से 3 प्लांट हमारे नींबू के हैं, उसे अलग कर लेंगे। और इनका भी वीडियो एक मैं आपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर बनाकर छोड़ दिया हूँ, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है नींबू का प्लांट। तो चलिए इसे हम निकाल कर अलग रख देते हैं। अब हम अपने चिली प्लांट को इस टीने में शिफ्ट कर देंगे। इसमें हमारे प्लांट को भरपूर मात्रा में भोजन मिलेंगे और पानी भी मुझे डेली नहीं देना पड़ेगा। अगर एक बार इसमें हम पानी देंगे तो 5 से 6 दिन तक मुझे पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर यह वीडियो दोस्त आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में कमेंट करके हमें बताइएगा। और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।